सब लोग आ जाओ। धूप आ रही है सुकेश में। मैम 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 मैम
Please be seated, and the big day is here. We would first start with the teaser for a quick recap. I would request everyone here to please sit. Yeah? Guys, are we ready for the teaser? Yeah. All right then, let's hit it. Four. So I thought let's be in the theme. Maybe Sajan ka Sanjay ban gaya hai apni taraf se. So, okay. You know, whenever you make something with all honesty and heart, wo screen pe nazar aata hai. And wo already aapne teaser mein dekh liya, and you'll see it very, very soon in the trailer as well. And let's get started to start off with. While just request the CEO of Fox Pictures to please, Fox Studios to come on this. We don't have a stage, but yes, to take the mic. Please give it up for Mr. Vijay Singh. Media friends, a very warm welcome and thank you for your patience. I think all of you are aware that we at Foxstar are doing quite a few films. So I can confidently tell you that very rarely comes a story, and perhaps once in a lifetime comes such a special story. It's so true, but it's so unbelievable. And you know, you find yourself, you're almost pinching yourself to say, when you say, wow, is this something one person can go through in one life? So, yes, and this, and Sanju is that rare story, and what makes it that much more special is that it is in the hands of a master craftsman director, Raju Hirani. So we at Foxstar are very, very proud to present Sanju, and even more proud of our collaboration with two geniuses. There's Vidhu Vinod Chopra and Raju Hirani. It can't get better than that. And to now sort of present to you the trailer and tell you a little more about it, I want to call my good friend, and he's absolutely unmatchable. He's 1 in 7 billion, Vidhu Vinod Chopra. सबसे पहले तो ये कहूँगा जो जो ये कह रहा है सच कह रहा है क्योंकि इसने कल फिल्म देखी है तो ये बिल्कुल इसने झूठ नहीं बोला है और उस दिन वैसे टीजर रिलीज पे आप लोगों में कितने लोग थे काफी लोग थे ना तो वो सब रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि फिल्म क्यों बनी कैसे बनी बननी चाहिए थी कि नहीं बननी चाहिए थी वो सब अब मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं उस दिन कह चुका हूँ आज मैं सिर्फ एक बात कहूँगा जो उस दिन मैंने नहीं कही कि कोई भी फिल्म जो होती है वो अकिरा कुरोसावा ने कहा हमारे ऑफिस में हर जगह लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कि अ फिल्म इज़ अ कोऑपरेटिव वर्क फोर्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ह्यूमन टैलेंट तो इंडिविजुअली जो टैलेंट राजू का है जो रणबीर का है वो मेरा नहीं है जो मेरा है वो परेश रावल का नहीं है वो मनीषा कोराला का नहीं है दिया का नहीं है सोनम का नहीं है तो ये अलग अलग टैलेंट जो हैं जब ये साथ में अच्छी इंटेंशन से ऑनेस्टी से जुड़ते हैं तो एक कोऑपरेटिव वर्कफोर्स बनता है और उस कोऑपरेटिव वर्कफोर्स से ही अच्छी फिल्म बनती है ऐसा मेरा मानना है ताली बजाना चाह रहे तो बजा दीजिए नहीं क्यों और आज का जो मैं ट्रेलर में आई वॉन्ट टू प्रेजेंट दैट कोऑपरेटिव वर्कफोर्स टू यू देयर इज सोनम इज हेयर परेश इज हेयर अपार्ट फ्रॉम विक्की कौशल इज हेयर यू नो दिया इज हेयर मनीषा इज ऑल ऑफ देम एंड ऑल्सो वेन दे टॉक ऑफ एक्टिंग वेन वी से रणबीर कपूर इज डन अ ग्रेट जॉब प्लीज रिमेंबर एन एक्टर इज रिएक्टिंग टू द अदर एक्टर एक अच्छे एक्टर के सामने आप एक घटिया एक्टर खड़ा कर दें जैसे आप मेरे सामने कोई घटिया जर्नलिस्ट खड़ा कर दें तो मैं जवाब क्या दूंगा शट अप ही बोलूंगा तो इंटरैक्शन जो होगी उसी से अच्छा सवाल जवाब होता है उसी से अच्छी चीज़ें निकलती हैं तो रणवीर के सामने आपने अगर उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ की है तो जो उसके सामने के कलाकार हैं जैसे परेश है सब है सोनम उनकी मैं आज तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि उन सब की वजह से ये फिल्म बनी
और ये बिल्कुल कोऑपरेटिव वर्कफोर्स है. आप कभी आए हमारे ऑफिस में तो देखेंगे कुछ ज़्यादा लोग नहीं है, जितने हैं सबके सब हमको फिल्म का वो जो चाय बनाता है वो भी कहता है सर ये शॉट ठीक नहीं है. तो ये फिल्म वैसे बनी है. अब ये और नहीं कुछ ज़्यादा मैं आपको भी ट्रेलर दिखाता हूँ. तो लेट्स शो द ट्रेलर प्लीज. Definitely we'll be able to do that. Please get up once more for Sanju's trailer. And once again, I would like to call upon the stage Mr. Vijay Singh and Mr. Vinod Chopra. Guys, please give it up for them. हाँ जी, कैसा लगा ट्रेलर? हाँ क्या है? हाँ थोड़ा जोर से बोलिए ना. थैंक यू सो मच. सो लेट मी कॉल राजू हिरानी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू सॉ जस्ट नाउ. सो लेट राजू कम एंड टॉक फॉर. गुड आफ्टरनून एवरीबडी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. कैसा लगा मुझे भी बताइए ना. मैंने आई गेस एट द मोमेंट द ओनली इमोशन आई एम एनवेलप्ड विथ इज ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस. थैंकफुलनेस फॉर लाइफ टू बी सो काइंड. आपने जो देखा ये यहाँ पहुँचने में इसकी शुरुआत होती है कई सालों पहले. It starts with a word, with a thought. So first of all, thank you to Sanju for sharing that one little thought, which finally became a film. और शुरुआत हुई तो फिर लोग जुड़ते जाते हैं, जैसा विनोद ने कुछ देर पहले कहा कि how it's a collaborative effort. So in the journey, people keep joining you from 1 to 2 to 3 to 100s. And we all finally live together, breathe together, laugh together, fight together. And then the film reaches where it reaches. Fight together में मेरी तरफ देखा आपने? नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा. So a big thank you to the entire cast and crew. Some of them are here, some of them are still working in sound studios and DI and everywhere to finish the film. Without them this film could not have been there. And we have a lot of the cast here. Some of them are not here, I miss them. Like one, Anushka is not here, Baman is not here, Anushka is shooting in US. But a lot of them are here, so I would like to call all of them one by one, and so you all can interact with them. So Paresh ji first. And it's Paresh ji's birthday today, so welcome to him. Manisha ji. Thank you. That's Sonam, Vicky, Dia, and finally Randhir. Thank you.
Okay, guys, we can start. So we're starting with the questions. Play the character of Salman in the film. देखिए विकी सलमान नहीं है फिल्म में ये मैं आपको बता सकता हूँ. I agree. विकी is actually a mix of संजू के कई फ्रेंड्स हैं, उनकी लाइफ का एक तरह से मिश्रण है और एक स्पेसिफिकली एक संजू के बहुत ही अजीज दोस्त हैं जो यूएसए में रहते हैं, उनका नाम है परेश. मेजॉरिटी ऑफ हिज कैरेक्टर ट्रेट्स हिज पर्सनैलिटी इज फ्रॉम परेश's लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाय, दिस मेरा नाम आलोक है, आपके लेफ्ट में. हाय सदेश सर, ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन है, आपने ट्रेलर को देखा. रणवीर सर, आपका क्या रिस्पांस है, आपको आप कैसे समराइज करेंगे इस 3 मिनट और 3 सेकंड के ट्रेलर को? आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू समराइज क्योंकि हम इस फिल्म पे 2 साल हमने काम किया है. यू नो यू फील के जो ट्रेलर होता है वी ट्राई एंड रिप्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ द फिल्म ताकि वो हम ऑडियंस को उत्साह सके. बट आई ऑलवेज हैड बिलीव इन द स्क्रिप्ट इन द फिल्म in Raju sir's vision. So it's way bigger than the trailer for me. You know, trailer is just a short window of what's going to come in the film. And dais pe aaj bahut sare ek se badhkar ek sitare hain. Main chahunga ki Sanjay Dutt aapki zindagi mein kitna ahmiyat rakhte hain, kis tarike se aap logon ne Sanju ko jana, agar aap log bata sake. Vidhu sir, agar aap shuru kare aur Vijay sir end kare. संजू सर की अहमियत आपके जीवन में कैसे है, आप कैसे उन्हें जानते हैं, जरा एक एक करके अगर आप सभी लोग दो दो लाइनें बोल दें. देखिए संजू को असल में जब वो संजू पहली बार जेल गया था, मैं उसको जानता नहीं था, तो उस वक्त अगर आपको याद हो, इन सबको याद होगा जो बैठे हैं, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था. तो मैं संजू को जानता नहीं था, मैं उनके घर गया और मैंने एक फिल्म अनाउंस की और मुझे भी ब्लैकलिस्ट कर दिया, इंडस्ट्री ने ही ब्लैकलिस्ट. तो वो फिल्म हमने अनाउंस की, फिर जब संजू जेल से निकला तो उसने मुझे फ़ोन किया तो कहता कि मैं फिल्म बनाऊंगा आपके साथ. मैंने कहा भैया मेरी तो फिल्म है ही नहीं. उनका आपने तो अनाउंस किया. मैंने कहा यार वो तो मैं आई टुक अ स्टैंड बिकॉज टिल यू आर प्रूव्ड गिल्टी, टिल एनी बडी इज प्रूव गिल्टी इज इनोसेंट. तो उसको थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया. फिर वो घर आया और दैट इज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम एंड ही सेड दैट वी विल वर्क टुगेदर. मैंने कहा नॉट नाउ, इट वॉज जस्ट अ स्टैंड आई टुक. Then we worked with him for many films like Mission Kashmir, Eklavya, Munna Bhai. So Sanju is like a part of our life. Magar jo important baat main kehna cha raha hu ki jab maine ye film ki kahani suni, jab mujhe Abhijit Joshi aur Raju ne sunai, to jis Sanju ko main janta tha, mujhe laga ki main Sanju ko janta hi nahi hu. Kyunki ye kahani jo hai aur sach kahani hai, ye itni aage hai us Sanjay se jo main 20 saal se 15 saal se janta hu ki it's unbelievable. ये मेरा संजू के साथ. दिया मनीषा जी, एक एक करके प्लीज अगर आप लोग दो लेंगे. मैं संजू सर कहती हूँ उन्हें. उनके साथ मैंने काफ़ी फिल्में की हैं और हमेशा मेरा एहसास उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए यही रहा है कि ही इज़ बिन एक्सट्रीमली वार्म, अफेक्शनेट, काइंड, जेनरस. एंड जब मैंने ये फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो इट जस्ट ब्लू माई माइंड. आई कुडंट बिलीव हाउ लेयर्ड एंड हाउ डिटेल्ड दिस नैरेटिव वॉज एंड इट रिवील्ड. यू नो आप जब इंडस्ट्री का हिस्सा होते हैं तो यू हियर थिंग्स अबाउट पीपल, बट व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट आई हर्ड थिंग्स दैट आई हैड नेवर हर्ड बिफोर एंड दैट वॉज जस्ट रिमार्केबल अबाउट इट. एंड आई फेल्ट लाइक for some reason I feel closer to him now than I ever did before and I feel more connected with him than ever before and we all love him unanimously. The Baba that I know is all heart and maine 3-4 filme ki unke sath. He's always been like a prankster, happy, all heart kind of a person,
And I'm really looking forward to seeing this film because there's many aspects of his life that I don't know, I didn't know. So I'm keen to watch this movie. Hello. मेरा सवाल रणवीर जी से है यहाँ पे फर्स्ट सीट मुझे अक्षय खन्ना साहब का आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर मुझे कुछ 5 या 6 जनवरी को उनका SMS आता 2017 में और देयर इज स्क्रिप्ट कमिंग योर वे और ऐसा स्पिरिचुअल राइटिंग उन्होंने कहा मैंने कहीं देखा नहीं है बाद में मैं मिला मुझे बुलाया गया मैं मिला मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और बात बिल्कुल सही थी कि इतना स्पिरिचुअल राइटिंग हिंदी सिनेमा में कभी हुआ नहीं है ज़बरदस्त स्क्रिप्ट थी एंड मुझे राजू हिरानी के साथ काम करने का मौका मिल रहा था मुझे माय फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा था तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन थी तो विनोद भाई विल अग्री टू इट मैंने पैसे की भी बात नहीं की एंड आई एम इन दिस फिल्म और मुझे मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा ही लकी आदमी हूँ कि मुझे ऐसी फिल्म मिली है ऐसा किरदार करने को मिला उस बंदे का कि जिस बंदे को मैं बिल्कुल तहे दिल से इज्जत करता हूँ उनकी और ऐसा इंसान मैं ये शायद कहूँगा कि थोड़ी ज्यादती हो जाएगी लेकिन मैंने मदर टेरेसा को तो देखा नहीं है लेकिन मैंने दत्त साहब को देखा है ऐसे इंसान थे हेलो मेरा सवाल रणबीर कपूर जी से है सारे लोग उसका सवाल ही नहीं खत्म हुआ उसने बड़ा लंबा सवाल पूछा एक आदमी ने उसने सबको एक ही में ले लिया सो कैन क्विकली सेड मेरे लिए एज फिल्म मेकर्स हम सब ग्रीडी होते हैं कि ऐसा कोई कंटेंट मिले जो बहुत इंगेजिंग हो एंटरटेनिंग हो लोगों को हंसाए रुलाए सो जब संजू से मैंने उनकी कहानी सुनी तो एक कहानी तो जो है जो आप सबको पता है काफ़ी प्रेस में उनके बारे में काफ़ी लिखा जा चुका है सब एक कहानी जानते हैं पर मैंने जो एक कहानी सुनी जिसमें एक फादर सन की स्टोरी थी और एक दोस्ती की कहानी थी सो इसेंशियली ये वो चैप्टर्स हैं जो आपने नहीं कहीं पढ़े होंगे सो आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बाप बेटी की कहानी है और एक दोस्ती की कहानी है और हमने पूरी ईमानदारी से कही है यानी जहाँ गलत है वहाँ गलत है जहाँ सही है वहाँ सही है सो फॉर मी इट वॉज ग्रेट टू गेट अ ग्रेट स्टोरी I just wanted to work with Raju sir, so I said yes to the film. It was as easy as that, and I wanted to be a part of Vinod uncle's any films that he makes, and so anything. Sorry. Stage पे अच्छे खाते shave करके आया इतना good looking. ऐसा नहीं करना चाहिए यार. I just wanted to be a part. I've wanted to be a part of his production, and whatever films he's going to offer to me, I'll always say yes. So for the next 1 year, I'll be standing on stage with them only. So I'm very happy to be here, and I'm very happy to work with Ranbir after 10 years. Check. You okay? Hello. Check. आ रहा है? Okay. I think मैंने ये पहले भी कहा है क्योंकि मैं एक साल से अभी संजू सर के बारे में बहुत बातें कर रहा हूँ. मुझे मैं छोटा था, फिर मेरे कबर्ड के वॉल पे संजू सर का पोस्टर था. And now today in front of all of you, I'm in his shoes, you know, looking at you, at trying to represent him. And I think in my life, I really want Sanju sir to like me. I know I can never be the man he is. I can never be the person he is. But in every which way that I go about in my career as a person, even through this film, I really want Sanju sir to like me because I feel that he's a man that I respect a lot. I really look up to him. And I really hope that he feels that I have represented his life in a very honest and true way. आप सबकी तरह मैं भी उनकी फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूँ और मुझे अभी भी याद है क्योंकि हमारे घर पे अभी भी एक तस्वीर है जहाँ पापा बिफोर बिकमिंग एन एक्शन डायरेक्टर एज ए स्टंटमैन संजू सर के बॉडी डबल थे इन वन ऑफ हिज फिल्म्स सो अभी भी मेरे पास एक तस्वीर है जहाँ उन्होंने सेम कॉस्ट्यूम पहना हुआ है एंड बिटवीन शॉट्स मट्टी में है और सब कुछ वो तस्वीर मुझे अभी भी याद है सो फॉर नाउ आफ्टर सो मेनी ईयर्स मुझे उनके लाइफ का एक अहम हिस्सा प्ले करने का जो मौका मिला है It feels truly special. I feel blessed कि मुझे ये मौका मिला. So thank you, Raju sir. Thank you, Vinod sir. मुझे ये मौका. Shyam ji is here. Vicky's dad is here. Sir, give it up for Shyam Kaushal sir. One of the top Sun directors in the country. And we also have Bhushan sir joining us from T Series. Music release कर देगा time पर के नहीं वो पूछ रहा हूँ इसको. Trailer पे तो late आता.
Okay, I think I've already said in the opening, I think as Fox, we are very, very privileged to present this very special film. It is everything you guys think you know and what you don't know. Ranbir, aapke right mein, yahan pe. This is Simran Singh here from Book My Show. Pehle bahut bahut badhai aap sabko. Trailer is spellbounding aur jo mehnat hai wo dikh rahi hai screen pe. Mera aapse sawal hai, apart from building and maintaining the physique, aise moments rahe hain that while shooting this film that it aapko aisa laga that it's taking a toll on you, matlab itna humne drama dekha is trailer mein, humne itna drama dekha, so were there any moments or were there any days, please share. As an actor, you know, because I was very excited to play this part, so it doesn't bother you that much, but then while I was acting, I was really imagining what he must be going through. You know, hum to acting kar rahe hain, it's not really happening to me, ye sab makeup hai, khoon un ka, ya jo bhi jail mein ho raha tha, ya whatever has happened in his life. So I think just thinking about what he must be going through was such a inspiration for me that the film was fairly easy, you know, and also to have such an incredible cast, to have Raju sir, everything was smooth sailing. Okay, Ranbir, ek aur ek sawal hai ki has this film changed you as a person or improved you as a person, because you are playing a character who has never gave up in his life, so has it improved you? I think subconsciously every character you play, and that's why you choose them, you want to imbibe certain qualities from them, and I think Sanju sir's life is such that we all can learn something from his mistakes. That's why he's given it so gracefully, ke, these are the mistakes I made, you know, and so I think his mistakes is something that, you know, I can really understand and I can learn from. Hello, Ranveer ji, yahan pe, Aarti Saxena. Okay, here, first row. Aap na ek saal se Sanjay Dutt ko jee rahe hain, to wapas Ranbir Kapoor banne mein abhi aapko kitni problem aayi? Nahi, aisi koi problem hui nahi. मैं सीधा एक फिल्म है ब्रह्मास्त्र, उसमें घुस गया था, एंड आई थिंक ऐसा बहुत होता है एक्टर्स के साथ, क्योंकि वाइल वी आर प्रमोटिंग अ फिल्म, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अनदर फिल्म, तो आई एम ऑलरेडी ऑन अनदर कैरेक्टर राइट नाउ, सो इट्स थैंकफुली इट वाज स्मूथ फॉर मी. अच्छा, संजू जी ने ईमानदारी से बता दिया कि उनकी 108 गर्लफ्रेंड्स थी. आप 308 200 की कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी. तो आपका अगर कभी बायोग्राफी बनी तो आप कितनी गर्लफ्रेंड ईमानदारी से बताएंगे? नहीं, मैं तो एक्चुअली अलाउ करूंगा ही नहीं. आई डोंट थिंक मैं संजू सर के जैसे, आई एम नॉट अ करेजियस मैन टू गिव माय लाइफ आउट सो ओपनली, बट मेरी काउंट 10 से भी कम है. अच्छा. तो मेरे पे बायोपिक नहीं बन सकती. अच्छा, इसके बाद आप कोई बायोपिक का आपको ऑफर मिला तो आप करना चाहेंगे? बिल्कुल. आई थिंक एनी स्टोरी दैट इंस्पायर्स, अगर वो बायोपिक हो या फिक्शन हो, as long as there's a story to be told, I would love to be a part of it. Thank you very much. Thank you. Hi. Ranbir. Prashant from ETV. Ek jo poster aaya tha abhi haal hi mein aapka aur Paresh ji ka, bahut emotional poster tha, us scene ke bare mein bataye, aur wo ek poster aisa tha jiske bare mein bahut baatein hui aur logon ke dilon mein ghar kar gaya, wo us khaas scene ke bare mein kuch bata paye agar? आई थिंक जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा कि संजू सर एक ड्रग फेज से गुजरे, ही वेंट सो डीप इनटू ड्रग्स दैट ही कम्प्लीटली लॉस्ट हिमसेल्फ, ही कम्प्लीटली लॉस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, एंड ही एक्चुअली रॉकी के प्रीमियर के बाहर जब फिल्म चल रही थी, ही वेंट टू हिज फादर एंड सेड के आई एम गॉन, इफ यू डोंट सेव मी राइट नाउ आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव, एंड दैट्स व्हेन सुनील साहब रियलाइज दैट हिज सन हैज गॉन सो डीप इनटू ड्रग्स दैट ही डिसाइडेड कि यू नो इट्स टाइम दैट नाउ आई विल लिव माई लाइफ टू मेक माई सन ओके, एंड ही टुक हिम टू अमेरिका टू रिहैब. So that was a very important moment in Sanju sir's life. You know, it was a changing moment. Ke he would have either died, or you would have survived. And I think he was very brave enough to want to fight the drugs. Raju sir, film mein jaise aapne kaha ki ek idea hoti hai aur ek baat se shuru hoti hai. To wo lamha kya tha jab aap is film ki shuruaat hui ya iske bare mein baatcheet hui? Uske bare mein pura bata. Dekhiye, maine Sanju ke saath दो मुन्ना भाई फिल्में की थी, पीके में भी उन्होंने एक रोल किया था, तो मुझे लगता था मैं संजू को जानता हूँ, पर जब संजू परोल से बाहर आए थे कुछ वक्त के लिए, तो मैं उनसे मिलने गया, और तब मुझे पता लगा कि जो मैं संजू के बारे में जानता था वो उतना ही है जितनी दुनिया जानती थी. आई वॉज नेवर वेरी क्लोज टू हिम कि हम बैठ के कुछ रात को पार्टियाँ कर रहे हो, ही वॉज वर्किंग विथ मी, और मैं उतना ही जानता था. तो जब वो परोल पर आए तो उन्होंने आई थिंक वॉज जस्ट वेंटिंग आउट, ऐसे खुल के बताना शुरू किया कि जेल में कैसे वक्त बीतता है. सो आई गॉट वेरी फैसिनेटेड विद इट. फिर उन्होंने अगले दिन फोन कहा कि क्या कर रहे हो, आ जाओ. फिर मैं अगले दिन गया, फिर उन्होंने मुझे लगा पहली बार खुल के वो ऐसे बात करना चाहते थे, उन्होंने जब बताना शुरू किया तब मैंने अभिजात को फ़ोन किया तीसरे दिन, और वो अहमदाबाद में था, मैंने कहा अभिजात आ जाओ, यहाँ मैं जो सुन रहा हूँ वो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं है. तो उसके बाद हम लोग 25 दिन
रोज शाम को 5 बजे जाते थे उसके घर पे, 3 बजे तक बैठते थे और सुनते थे, वो रिकॉर्ड भी किया हम लोगों ने। तब मुझे लगा कि एक्चुअली उनके घर से जब निकलते थे तो हमको ऐसा लगता था कि हमने जिंदगी जी नहीं है, वी फेल्ट लाइक ड्वार्फ्स कि ये क्या जिंदगी है। और फिर वहां उस दौरान ऐसा लगा कि एक दिन सुनने के बाद दारू वारू पी के उन्होंने फोन किया कि हमने जिंदगी तो संजय दत्त ने जी है, हमने तो कुछ जिया ही नहीं है, बड़ी बोरिंग लाइफ है हम लोगों की। हाय, संदीप हियर फ्रॉम ANI। सर सभी को नमस्कार। मेरा सवाल है परेश सर से, एट द टॉप सर, सेंटर में, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, काफ़ी ऊपर हूँ मैं। हेलो जी, मेरा परेश सर से सवाल है। सर सवाल ये है कि आप रियल जिंदगी में अगर हम कहें तो आप खड़े हो जाएंगे प्लीज इफ यू डोंट माइंड। आप राजनीतिक करियर भी अभी आपने शुरू किया है और साथ साथ आप एक्टर भी हैं, और लगभग सुनील दत्त साहब का आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सर, कुछ इसी प्रकार का उनका भी जीवन रहा जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये दुविधा आई कि अभी मैं किसी और पक्ष में हूँ और वो किसी और पक्ष में थे, तो इस कैरेक्टर को प्ले करने में कहीं दुविधा आई? मेरी सोच कभी ऐसी होती नहीं है, नंबर वन। और दूसरी बात है, मेरे मन में सिर्फ एक ही दुविधा थी कि वो बहुत बड़े बहुत अच्छे इंसान थे, वो जो अच्छाई है वो क्या मैं पर्दे पे ला सकूं, कि यही दुविधा थी। सर आप उनको बताइए ना किस्सा, वो चिट्ठी वाला एक, हैरान होंगे, बड़ा कॉस्मिक कनेक्शन मुझे लगता है। 2005 के अंदर 25 मई को मैं अमेरिका में मेरे ड्रामा के शो कर रहा था और मैं यहाँ पे आया हुआ था। दीवाने हुए पागल फिल्म का कुछ पैचवर्क था और जो ललित होटल है ना वहाँ पे एयरपोर्ट के बगल में, वहाँ मैं गया सीधा लैंड होके और मैंने घर पे फ़ोन किया स्वरूप को कि मैंने बोला मैं आ गया हूँ लेकिन मैं शूटिंग ख़त्म होने के बाद मैं घर पर आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो दत्त साहब का कुछ लेटर आया हुआ है। मतलब किसका? बोला सुनील दत्त साहब का। मैंने मुझे क्यों खत लिखेंगे? बोलते नहीं तुम्हारी बर्थडे है वो विश, बोला मेरी बर्थडे 30 तारीख को, 5 दिन पहले क्यों लिखेंगे? तो बोलते नहीं उन्होंने खत लिखा है। मैंने बोला ठीक है। बाद में स्ट्रेट कट टू जब मैं इनके पास गया था 2 जनवरी 2017 में उनके ऑफिस में बैठ के मैं नरेशन सुन रहा था तो स्वरूप का मुझे फोन आता है कि तुम्हारे ड्रॉअर के अंदर वो लेटर पड़ा हुआ है, दस साहब का क्या करें, बिकॉज आई हैड आस्क्ड हर टू गेट सम डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ड्रॉअर। तो मैंने बोला अभी भी लेटर पड़ा हुआ है? तो एक कमाल का कनेक्शन था और वो लेटर मैंने दिखाया इनको कि दस साहब, नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे बर्थडे विशेष वाले जो खत आते हो आप रखते हो फिर थोड़े दिन के बाद निकाल देते हो। ये 12 साल के बाद 2005 से लेकर 2017 तक वो खत पड़ा हुआ था मेरे ड्रॉअर में। एक कमाल का कनेक्शन है, मैं इसे क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आता। ये था कनेक्शन कि दस साहब का रोल करना मेरे नसीब में होगा शायद। विनोद जी, रणवीर आपसे मेरा सवाल है, आपके राइट में स्ट्रेट, सॉरी आपके लेफ्ट में, लेफ्ट लेफ्ट। ओके, अभी रणवीर एक वीडियो आया है जिसमें ऋषि कपूर साहब काफ़ी इमोशनल हैं देख के, और उन्होंने नीतू जी से कहा है कि आई स्वेयर ये मुझे रणवीर नहीं लग रहा है। तो ये फिल्म भी फादर और सन रिलेशनशिप पे, देखने के बाद आपको क्या रिएक्शन दिया उन्होंने और आपके लिए क्या इमोशनल मोमेंट रहा? पहले तो बिसाइड्स बी माय फादर ही इज़ आल्सो एन एक्टर आई रियली एडमायर एंड रिस्पेक्ट। तो जब राजू सर ने ये रिएक्शन रिकॉर्ड करके मुझे भेजा था, मैं उस वक्त कहीं और शूट कर रहा था, पापा कभी बोलते नहीं है मेरे चेहरे पे कि यू नो आपने अच्छा काम किया है, नॉट दैट आई एक्सपेक्टेड एंड ऑल, बट यू नो व्हेन यू हियर सच वर्ड्स कमिंग फ्रॉम हिम, नॉट ओनली बिकॉज ही इज माय फादर, बिकॉज ही इज एन एक्टर आई लव, you know, it was an incredible experience for me. You know, it really moved me, it made me very emotional. Because every father wants their son to do well. But my father is very careful ki wo aise free mein compliment denge nahi. You know, wo hame hamesha kehte ki kasar rahi, you know, work harder, work harder. So this was a wonderful gift that Raju sir and Vidhu sir had sent me his video. Raju sir, aapse ek sawal hai ki aapke film mein jabhi bhi humne dekhi hai, usme aapka humor hamesha rehta hai, ek humor एंगल आप हमेशा जोड़ते हैं इस फिल्म में, एक मतलब जब हम कल्पना कर रहे थे तो ऐसा था कि संजय दत्त की लाइफ इतनी सीरियस रही है तो उस तरीके से ही पर्दे पे आएगी, लेकिन आपके मन में कहीं ये बात थी कि ह्यूमर जोड़ना भी ज़रूरी है फिल्म को एंगल, क्योंकि पहला जो टीज़र आपने लाया है वो पूरी तरह से प्रेजेंट किया है, तो ताकि ऑडियंस को ज़्यादा अच्छी तरह से
समझ में आए? देखिए, हर फिल्म का डीएनए अलग होता है. कुछ फिल्म में ड्रामा होता है, कहीं इमोशंस होते हैं, कहीं लाफ्टर होता है. कुछ फिल्म में हर चीज़ों का एक मिश्रण होता है. तो मैं कहूँगा इस फिल्म में भी, एक्चुअली अभिजात आर्म ने एक कमेंट बनाया हुआ, LCD कहते हैं हम उसे, कोशिश करो कि हर फिल्म में लाफ, क्राई और ड्रामा हो, पर उनकी मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है. तो ये फिल्म मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा ड्रामा और ज़्यादा इमोशन है. ऐसा नहीं कि फ़न नहीं है, फ़न है, डेफिनेटली है, मगर वो मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है. तो आई डोंट थिंक हमको कंपेयर करना चाहिए कि हर फिल्म का. आप अगर मुझसे कहें कि PK क्या है, तो मैं कभी नहीं कहूँगा कोई कॉमेडी फिल्म है. वो नहीं कॉमेडी फिल्म, वो भी एक बहुत बड़ी बात कह रही है. या इवन लगे रहो मुन्ना भाई फॉर दैट मैटर, उन सब में भी ह्यूमर होता है, मगर देयर इज लॉट ऑफ ड्रामा एंड लॉट ऑफ अदर इमोशन. सो इस फिल्म में बहुत ज़्यादा इमोशन है, मगर ऐसा नहीं लगेगा कि आपको फन कब मिल रहा है. वो लास्ट सीन आपने देखा ही अभी, वो लैंडलाइन पे फोन किया. विनोद जी, दिस साइड टुवर्ड्स योर राइट. वुड इट बी राइट टू से दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द इमेज ऑफ संजय दत्त, बिकॉज आफ्टर यू आर द वन हु गेव हिम MBBS, मुन्ना भाई MBBS एंड ऑल पॉजिटिव काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, यू नो. ये सवाल तो आपको संजय दत्त से पूछना पड़ेगा. क्योंकि मैं इसका कोई जवाब ही नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जब फिल्म बनाता हूँ, कोई भी फिल्म बनाता हूँ या किसी फिल्म से भी एसोसिएट होता हूँ, तो मेरा पर्पज़ ये नहीं होता कि मैं इसकी कुछ इमेज सुधार दूँ, इसकी इमेज बिगाड़ दूँ, इसका ये कर दूँ. वो फिल्म से हो जाता है, हर फिल्म से हो जाता है. हाँ, मैं समझता हूँ मुन्ना भाई MBBS से लेके उसका हो सकता है. आपने सवाल पूछा तो मुझे थैंक यू नोट कल भेज दे, अगर वो सुने तो बड़ी मेहरबानी होगी. फूल भेज सकता है, कुछ वाइन भेज सकता है, कुछ. मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि ये कुछ थोड़ा वायरल हो जाए, उस तक ये सवाल पहुंच जाए तो शायद वो थैंक यू कर दे. नहीं, रणबीर, वन क्वेश्चन. आप कहते हो मैं ठरकी हूँ, मैं रोमांटिक हूँ, मैं ड्रगिस्ट हूँ. ये नहीं है. नहीं, मालूम है मुझे. ये विचार संजू है, संजू. हाँ, कैरेक्टर के लिए मैं बोल रही हूँ. ऑन रियल आई एम कम्प्लीटिंग इट. So which one you enjoyed? Romantic? Being romantic? Of course, being druggist must have been quite tough. Romantic, of course, because you are also romantic at heart. Yes, absolutely. And I like love stories. I like romantic films because I believe that a character, when he's in love, he does incredible things. Whichever person, whichever individual is in love. So I'm more the romantic side. I don't have any turkiness in me. हेलो, दिस इज हरदीप. ओके राजू जी, राजू जी, आपने आपने वो पोर्शन अच्छा तो बहुत किया है. हेलो, अनसटर की वाला राजू जी, मेरा सवाल आपसे. राजू जी, इट्स ओके सर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, इतना ही काफी है मेरे लिए. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, जाएंगे तो बेहतर होगा. इट्स ओके सर. हां, ओके, आई कैन सी. राजू जी, क्योंकि फिल्म पूरी की पूरी फिल्म संजू पे है, संजय दत्त पे है, उनकी पूरी जिंदगी बताती है और बहुत क्लियर है. जैसे हम रणबीर की बात करें, इज प्लेइंग संजय दत्त, परेश साहब इज प्लेइंग दत्त साहब, मनीषा जी इज प्लेइंग नरगिस दत्त. एंड जैसे आपने विक्की कौशल के बारे में बताया कि उनके एक दोस्त हैं जो गुजरात में रहते हैं, उनकी कहानी वो किरदार निभाते नजर आ रहे हैं. तो बाकी जो महिलाएं हैं, जैसे सोनम कपूर हो गई, दिया हो गई या अनुष्का शर्मा, ये किन किरदारों की जगह पे हैं? हाँ, एक्चुअली आपने अनुष्का शर्मा मेंशन किया तो मुझे क्लियर करना चाहिए. कल ही मैंने ट्वीट किया था कि मैं आज बताऊंगा कि अनुष्का शर्मा क्या रोल कर रही है. हंसिएगा नहीं, बट अनुष्का शर्मा एक्चुअली, देखिए पहले मैं बता दूं कि कोई भी बायोपिक होता है तो उसमें कहीं आपको किसी की जिंदगी को कंप्रेस करना पड़ता है. संजू ने कंप्रेस करना पड़ता है तो कुछ कैरेक्टर्स मिलाने पड़ते हैं, तो सच्चाई तो पूरी होती है पर वो टाइम स्पेस में कंप्रेस करके हम चलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स जोड़ दिए जाते हैं. तो अनुष्का एक्चुअली जो रोल कर रही है वो मैं और अभिजात हैं. क्योंकि जैसे संजू ने हमें स्टोरी सुनाई और हम कह रहे थे यार ये क्या है, और तो उस अनुष्का इज एक्चुअली प्लेइंग अ बायोग्राफर जो लंदन में रहती हैं, जो इंडिया आई हुई हैं और संजू चाहते हैं उनके ऊपर किताब लिखी जाए और वो लिखना नहीं चाहती हैं. तो जैसे हम भी उनकी कहानी सुन रहे थे, हम कई बार थे कि करें ना करें, हम जानना चाहते थे. फिर हम कभी पुलिस वालों के साथ बैठते थे, कभी हम लॉयर्स के साथ बैठते थे, कभी हम उनकी फैमिली के साथ बैठते थे कि करें ना करें. तो इट्स अ, तो शी इज प्लेइंग एक्चुअली अस बट नॉट अ फिल्म मेकर, अ बायोग्राफर. राजू जी, मेरा एक सवाल इसी से कनेक्टेड है. हेलो, राजू जी, इधर ऊपर. अभी थोड़ा तो फिल्म में भी छोड़ दीजिए ना, सब बता दूंगा. तो मनीषा जी, सोनम और मिस्टर हिरानी, हाय 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 राजू जी. गाइस, लास्ट टू क्वेश्चन. हेलो
Hello. Mr. Irani, to your right. Right. Hi. This is Priyanka from Indian Express. Congratulations for the superb trailer. In the trailer, it's reiterated multiple times that he's not a terrorist. You know, so was this aspect of Sanju's life the biggest intention behind the film? See, कुछ चीजें मुझे लगता है फिल्म के लिए छोड़ देनी चाहिए. अभी सब सारा सस्पेंस खोल देंगे यहाँ पे तो फिर फिल्म देखने कौन आएगा? जी, राजू जी, एक महीने की बात है. मनीषा जी आपके राइट की तरफ जानना चाहूंगी, आपने नरगिस जी का किरदार निभाया है जी, तो आपका भी कोई ऐसा कोई कॉस्मिक कनेक्शन का कोई किस्सा है जो आप शेयर करना चाहिए? आपने उनकी कौन सी फिल्में देखी? एक्चुअली क्या मुश्किल था इस पार्ट को निभाने के लिए? व्हेन राजू सर ऑफर्ड मी दिस रोल, आई वाज रियली थ्रिल्ड एंड आई फेल्ट इट्स सच अ ग्रेट ऑनर टू प्ले हर. So I took on that, and similar to what Pareji's thing was, when my movie Bombay had released, Dutt Saab had actually sent a letter to me saying that you remind me of Nargis Dutt-ji. Wow, I didn't know this. So I really take that as a huge, huge, huge compliment, and. Radio Mirchi Kolkata, if you can hear us. Can you please shoot up your question? Yes. Please go ahead. Please first tell your name and. Hi, Ranveer sir. किससे सवाल पूछना चाहते हैं? Hi, Ranveer sir. I am Mohit from Kolkata. केमन आचन दादा. बालो आचन तो. हाँ बालो आची. आप ही पूछना रहा बालो तो. हाँ एकदम बालो. तो रणबीर सर मेरा आपसे ये सवाल था कि संजय दत्त का जितना भी स्टेज इस पिक्चर में दिखाया गया है लाइफ का, उनमें से कौन सा वाज द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर यू टू पोर्ट्रे? आई थिंक द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वाज द यंग संजय दत्त, यू नो व्हेन ही वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट हिज करियर, हिज हाउ ही हैड टू डील विद द लॉस ऑफ हिज मदर्स डेथ, ड्रग्स. सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ संजय दत्त वाज वेरी चैलेंजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. और सर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट था रणवीर सर, बर्फी में जिस अंदाज से आपने अपना नाम बताया था एक बार बता देंगे? क्या बता देंगे? अर्फी. थैंक यू सर, लव यू. ओके. हाय रणवीर. हाय रणवीर. ही जस्ट सेड हाय ट्वाइस विद अ हाय स्माइल. माय नेम इज अनुजा. And your question is that you have always been known to play chocolate boy role. How difficult and different was it to play the role of Sanjay Dutt's life, who is known for being macho? How was it playing it? It was very macho. It wasn't chocolate at all. It was more of liquor and whiskey. But it was a great challenge. But again, no actor is alive or able to take a challenge without its captain of his ship, that's Raju sir, and of course Abhijat sir, the writer of the film. Not that they made me macho, that was the gym instructor, but they wrote a macho character. Okay guys, next question coming up is from PVR Ahmedabad. We are connected with them as well. Yes, who's going to ask the question? Hello. Hello Ranveer sir, I'm Sagar from Ahmedabad. And my question for you is, you have recreated the Sanju look right away from Rocky till when he went to the jail. So which look was the most difficult to recreate and which one is your favorite? Okay, what was fun to, what was fun, like, you know, I had to sit for prosthetics for 5-6 hours every day when we had to do the old Sanju that look. So when he comes out of jail and how his look was, which was very iconic, it's in the trailer also, in the blue shirt, you know, in the beard, and he had that gold choti. I was very happy sitting on the chair for 5 hours to get that makeup done. So that's my favorite. He used to come at 3 at night to be ready for a 7 o'clock shift. So he was the first man. हम लोग सुबह पहुंचते थे 6 बजे, पता लगता रणवीर का 3 बजे से मेकअप हो रहा है. Next question, please.
हेलो रणबीर सर, आई एम बिग फैन ऑफ यू. उत्सव फ्रॉम अहमदाबाद. आपने सोनम मैम के साथ तावरिया के बाद 10 साल के बाद काम किया है, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? और आप दोनों राजू हिरानी के साथ काम कर रहे हैं, इस कंट्री के बिगेस्ट डायरेक्टर, और वो कैसे अलग है दूसरे डायरेक्टर्स बॉलीवुड के? ओके, सोनम और मैंने 11 साल पहले काम किया था सावरिया में. नहीं, 10 साल था तो रिलीज हुई थी. 2 साल हमने सावरिया पे काम किया था. आफ्टर दैट वी नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुगेदर. सोनम सेम है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है. जैसे वो ब्लैक में जब हम असिस्टेंट थे, वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी है, वैसे ही दिखती है. नहीं, एक्चुअली यू हैड लॉस्ट वेट आफ्टर ब्लैक, सो जैसे तू सावरिया में दिखती थी वैसे सेम है. एंड द ओनली थिंग दैट्स चेंज इन हर इज दैट शी इज बिकम एन इवन बेटर एक्ट्रेस. सो व्हेन आई वर्कड विद हर, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस शी केम विद, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस शी केम विद ड्यूरिंग दीज 10 इयर्स, आई थिंक बोथ ऑफ अस रियली एंजॉयड वर्किंग विद ईच अदर. यू वांट टू से समथिंग? सेम. एंड वर्किंग विद द वर्ल्ड्स greatest director Mr. Rajkumar Hirani, I think, is every actor's dream, and I speak for every actor sitting on this stage. It's something else, you know. It is so easy and seamless that you don't realize you're working with such a great director. But when I guess the film releases and the kind of love that his other films have got, even if we get 20% of that love, I think I will be so happy that, you know, I had, in my life I got to work with Mr. Rajkumar Hirani. Thank you, sir. Sorry, ek minute, sir. We love you. I love you too. Okay, before coming Thank back you to sir. You guys, PVR Delhi, we have a question coming up from PVR Delhi. Hi Ranveer, first of all, I'm really big fan of yours. Thank you. Really, I really mean that. My question from you is that your father has really appreciated your look, how you've recreated the look of Sanju. Now, what about your mother? How did she reacted when she saw the trailer and the launch? My mother is my biggest fan. So, whatever I do, she loves. I remember after she saw Bombay Velvet, she thought it was the greatest film in the world. So, yeah. I went to watch that. Thank you. You're the only person who watched that. Thank you. Ranveer. Yeah, next question, please. Hello? Yeah, we can hear you. Hi. Yeah, we can hear you. Please go ahead. No, wait, wait, we wait. Cannot wait, hear, you. Hear you. Should we go back to Bombay? Yeah. last question and then we come back to Bombay. Yeah? Okay, cool. No, no. Mumbai. Yeah. Mumbai. There was the guy in the black t-shirt. Hello. Just a second, guys. Just a second. Hello. Yeah, wait. We'll give you a mic. You can hear it. Boliye Delhi. Boliye. Delhi wale, please, abhi bol de. Hi. What was your instant reaction after seeing after reading the script? Just a second. Delhi is asking you, what was your reaction after you met me? It was. I thought I was. It was. It was a film which I didn't think would be able to. It was a character and a life I don't think a film could be made on. And I think when I read the script, I was like, wow, this is a story which comes once in a lifetime. And just to be a part of it would be such an incredible journey. Okay, yeah. Hello. Guys, hello. There. Raju ji. Hello. Yeah. You're saying you're from the cosmic community. Uh-huh. Oh, okay. Which look? Like I said, the middle one, the coming out of jail. Uh-huh. Yeah. Hello, Raju sir. Yeah, Raju, she has the center. Raju ji, Priyanka from India Forums. Sir, recently Aamir Khan narrated how he rejected the film. Basically, he said no, he would not be able to play the part. What was your reaction after getting a no from him? No, see, Aamir is a friend and. Whenever I write a script, I just go to him and narrate him to get a reaction from him. So I had narrated the script to him also, and not with the intention of asking him to play any role. And he reacts very interestingly to the script, and he liked it. Then just out of greed, I said, Aamir, will you play the Datsab's role, father's role? So he took it actually very seriously and he gave it a thought. Then he said, okay, let's meet after a while. So I met him next week again. And then he showed me Dangal.
And he said, look, I'm already playing an older role. You see, look my transformation in that. And if my next film after Dangal is again an older role, then people will stop giving me young man's roles. So, which was a valid argument. And finally, we have Paresh ji playing that sub. Yeah, hello. My question is Ranveer sir. Sir, you're in center. Mein. Raju ji. Ranveer sir. Raju ji, center. Unfortunately, मैंने trailer तो नहीं देखा. यहाँ यहाँ राजू जी. मैंने unfortunately आपका trailer तो नहीं देखा. अभी नहीं देखा आपने? अभी नहीं. मैं थोड़ा देर से आई थी. आपको फिर दिखा देते हैं. नहीं कोई बात नहीं. लेकिन लेकिन इसमें जिस तरीके से दत्त साहब का जिक्र हो रहा है, नरगिस जी का दत्त जिक्र हो रहा है, और उनकी लाइफ में जो फिल्मी पार्ट था और उनके जो सोशल लाइफ है उस पर ज़्यादा दिया है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी 92-93 का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें जैसे राकेश मारिया है, मुंबई पुलिस है, शिवसेना थी, बाला साहेब थे, क्या वो सब रोल भी प्रोमिनेंट दिखाए गए हैं फिल्म में? आप देखिए ना फिल्म प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपको, मैं आपको ट्रेलर भी दिखा देता हूँ, फिल्म जब रिलीज होगी लेट मत जाना देखना. रणवीर कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड द एंटायर टीम. आई एम गेटिंग दैट फीलिंग एंड आई थिंक सो लॉट्स ऑफ सिनेगोज मे बी हैविंग दैट फीलिंग कि दिस कुड बी वन ऑफ योर बेस्ट फिल्म इन योर करियर. एक्चुअली कुछ ऐसी फीलिंग आपको भी आती है? आई थिंक सो यू मस्ट हैव एंजॉयड डूइंग दिस फिल्म आल्सो. Of course, और बहुत ज़रूरत है for a best film in my career. You know, it'll be amazing if this film becomes a blockbuster. So please go and see the film in the theater. All of y'all, please support the film. Best उनका यहीं खत्म मत कर दीजिए यार. अगले महीने और कई फिल्में बनाएंगे इससे best. Sir, Ranveer sir, I'm the center. Ranveer sir, center में. आपको कैसे पता दिखाई? आप भी लाइक बताइएगा अगली बार फिल्म देखने. यार फिल्म देखो प्लीज, मेहरबानी करो. रणबीर सर नहीं, आप प्लीज देखो. आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिल्म देखो, उसमें बहुत मेरी और राजू की भी लव स्टोरी चलती है. आप देखो तो सही यार. ट्रेलर लुक्स अमेजिंग. वी लिव इन अ डिजिटल एरा where all the actors are present on social platforms, like if you talk about Vicky, Sonam, everyone, you are not present on social media, but a fake account on your name has 1.7 million followers. So do you think agar aap social platform pe rehte to kahin na kahin film ko promotion jo hota hai, free promotion ek tarah se jo mil jata hai, wo aur zyada milta? Yeah, I don't think so. I think film hoti hai, ek trailer jab trailer aata hai then that's the film. सोशल मीडिया में मैं आई विल बी शोइंग माई सेल्फ, नॉट रियली व्हाट द फिल्म इज. या ऑफकोर्स यू हैव अ रीच टू अ लार्जर ऑडियंस, बट आई डोंट मिस इट. आई एम फाइन बीइंग अवे फ्रॉम इट, बट नेवर से नेवर. मे बी टुमारो आई विल कम, बट राइट नाउ आई एम हैप्पी बीइंग अवे फ्रॉम इट. ओके विकी, मेरा सवाल आपसे विकी सर, इट्स रियली गुड टू हैव यू. लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन. आई एम इन द सेंटर सर. विकी कैन यू हियर मी? विकी मेरा सवाल आपसे, राजी के बाद एक बिल्कुल मुख्तलिफ फिल्म, एक बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार, एंड यू आर लुकिंग प्रॉमिसिंग इन द कैरेक्टर ऑफ योर्स. और जैसे कि राजू जी ने कहा कि पूरी की पूरी फिल्म, राजू जी प्लीज अटेंशन ऑन दिस एंड मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर. राजू जी ने कहा कि द फिल्म संजू इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप ऑफ अ फ्रेंड एंड अ फादर. डू यू फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड डू यू फील लकी टू गेट द रोल ऑफ दैट इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्म? ऑफ कोर्स आई डू, ऑफ कोर्स आई डू. आई फील रियली ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला है. मुझे याद है जब मतलब राजू सर ने नरेशन दी थी, तब तक मुझे पता नहीं था कि मैं इसका हिस्सा हूं या नहीं हूं. और फिर नरेशन के बाद मैंने डर के मारे सर को पूछा था, तो सर अब क्या? तो सर ने कहा था, अरे यू आर ऑन बोर्ड, दैट्स व्हाई तो मैं नरेशन दे रहा हूं. एंड दैट मोमेंट आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ, कि जब उन्होंने कहा था कि यू आर ऑन बोर्ड फॉर दिस फिल्म, बिकॉज लाइक परेश जी ऑल्सो सेड कि ये स्क्रिप्ट वॉज, आई मीन इट्स समथिंग एल्स, इट्स रियली स्पिरिचुअल. एंड जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, यू नो, इन एनी कैपेसिटी इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. इनकी अगले साल से डेट्स नहीं मिलने वाली किसी को, ये मैं बता देता हूँ. ओके राजू जी, आपने कहा अनुष्का शर्मा का जो किरदार है वो मेरी मतलब आपकी और विदु जी की याद दिलाएगा, तो सोनम और दिया मिर्जा इनके बारे में कुछ एग्जांपल दे दीजिए ताकि पता चले कि क्या एग्जैक्टली इनका अभिजात जोशी की याद दिलाएंगे भैया. राजू जी, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन सोनम्स कैरेक्टर. क्या जैसे आपने कहा कि अनुष्का की अगर आप बात करें तो आपकी और विधु की याद दिलाएगा, सोनम के किरदार की मैं बात करना चाहूंगा, तो सोनम के किरदार को कहां, किस 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 कैरेक्टर की याद होगी और किस किस किरदार में इन्हें? सीधे कि सोनम इज प्लेइंग वन ऑफ द गर्लफ्रेंड्स, 308 में से एक.
सो बाकी आप स्क्रीन पे देखिए. दिया इज प्लेइंग एक्चुअली मान्यता, संजूस वाइफ. ओके गाइस, थैंक यू सो मच. ओके लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. या आप काफी टाइम से पूछ रहे हैं. गाइज जस्ट अ सेकेंड गाइज, मैम वहां से. या लास्ट क्वेश्चन. माइक इज कमिंग टू यू, प्लीज उनका माइक ऑन कीजिए. Can I answer the question? No problem. Thank you. जब हम लोग लगे रहो मुना भाई की शूटिंग कंप्लीट कर चुके थे तब आई थिंक एट दैट टाइम I had gotten the opportunity to interact with Manyata, and of course over the years I've interacted with her. Lessons तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जब भी कोई किरदार प्ले करने का मौका मिलता है, the one thing that we hope to achieve as actors is to be able to empathize with what that character has experienced, that person has experienced in their real life. And जब Raju sir और अभिजा जैसे लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, सीन्स लिखते हैं, तो दैट एबिलिटी टू एम्पथाइज विद द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इंक्रीजेज मैनी फोल्ड. और आई थिंक पहले दिन से लेके लास्ट डे तक मैं सिर्फ दो चीज़ें अपने आप को याद दिलाती थी कि अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो क्या होता मेरे साथ. और उसके अलावा ये जो इंसान हैं जिनको ये सारी सिचुएशन से गुजरने पड़े, उनके साथ कितनी गहराई से इसको इफेक्ट हुआ होगा और हाउ दैट मस्ट हैव मेड देम रिएक्ट टू द सिचुएशन दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ. रणबीर, थैंक यू सो मच गाइस. रणबीर, वन फाइनल क्वेश्चन. ओके लास्ट. रणबीर, स्लाइटली टुवर्ड्स योर लेफ्ट. या या सर, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन. आई कैन सी यू सर. या रणबीर हियर. यस सर. रणबीर, देयर इज अ Ranbir, if you can hear me here. Puchlo. Ranbir, there is a scene in the trailer where you've gone nude. Was that particularly difficult to shoot? Main to pehle film se nude chala gaya tha jab mera towel gir gaya tha. So yeah, I'm very shy in my real life, but when the camera is on, I'm not shy. You know, I'm portraying a character, so you have to be nude in your emotions and physically. Also, what is the censor certificate that you're looking at getting? This movie? What's the censor certificate? That you're looking at getting for this film. I don't know. Censor certificate, sir? You. For this film? You. Okay, guys, thank you so much for all the love and patience. करने दो, कब से पूछ रहे हैं? Okay, last question. अच्छा, इस फिल्म का म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, भूषण से पूछ रहे हैं. Sir, so when you are doing this movie, you must have come across some emotional scene where really you thought that how can this guy must have really in real life he must have done. So कहाँ पर आपने ऐसे छोड़ दिया कि no, I can't do this scene or something became very emotional? देखिए, जब आप एक फिल्म को कमिट करते हो देन इट्स योर जॉब. यू कैन नॉट से यू कांट डू इट, यू हैव टू मेक इट वर्क. और बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं एक्टर्स की लाइफ में कि आज अच्छा दिन नहीं है, आज आप अच्छी तरीके से नहीं सोए हो, यू नो योर मूड इज़ बैड, यू हैड अ फाइट विद समवन. बट आई थिंक व्हेन यू कम ऑन सेट यू हैव टू डिलीवर, इट्स योर जॉब. कभी अच्छा होता है, कभी नहीं अच्छा होता. कभी आप इतने स्ट्रेस होते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, बट वो हो जाता है क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज वो स्क्रिप्ट में वो बात है. जब वो सीन आती है स्क्रीन प्ले में, because of the flow of the screen and of the screenplay and the story, that's why the scene works. So I think actors take a lot of pressure. You just have to deliver to your best of your capabilities and just make it happen. Okay guys, thank you so much for all the love and thank patience. You. Thank you. Huge round of applause once again for the entire team Sanju, and a quick photo op. A quick photo op. ये विजय माधव चालू हो गई है, ये वीडियो मिला के लिए डायरेक्ट कर रहा है.
राजकुमार सर चलो
हाँ अभी हो गया सर।